हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अब फाइंड द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहां पे इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है। तो मैंने कुछ स्टेप बताया हुआ है कि ये स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है, आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे हमें दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें ऑलवेज दो रूट्स मिलेंगे। ओके, तो यहां पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारा फॉर्मेशन ये होता है। तो हमें फर्स्ट स्टेप ये करना है कि ए की वैल्यू जो है उसको क्या करना है, 1 बनानी है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, वो ए इज इक्वल टू हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 किस तरह से बनेगा, तो सिंपल है कि जो भी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो भी होता है उससे पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया जाती है, डिवाइड कर दो। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 अपॉन 2x उसके बाद क्या करना है, हमें जो बी दिखा है मतलब यहां पे अब ये देख ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है इसको है। ओके, तो इसका जो बी होगा, बी को हमें क्या करना है, हाफ करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे बी कौन सा है, 7/2 है, लेकिन यहाँ पे साइन का यूज करना नहीं। ओके, तो 7/2 को पहले क्या करना है, हाफ करना है, मतलब यहाँ पे बी कौन सी वैल्यू है। और आप सिंपल समझो तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का टर्म है, मिडल टर्म है, उसको ले लेना है, 7/2 को ले लेना है, उसका हाफ करेंगे तो हाफ कितना हो जाएगा, उसको 2 डिवाइड में रख दो, क्योंकि कोई भी चीज को अगर हाफ करनी होती है तो हम कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये 7/4 हो जाएगा और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 49/16। तो ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, वो क्वेश्चन का तो जो भी हमें आंसर मिला हुआ है उसका क्या करेंगे, फर्स्ट दो स्टेप तो वैसे क्या वैसा ही दिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। ओके, उसके बाद जो आंसर मिला है उसको फर्स्ट टाइम एडिशन करना है, ऑलवेज फर्स्ट टाइम एडिशन ही करना है एंड देन सेकंड टाइम माइनस करना है, देन प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट 3 स्टेप हमें ले लेने हैं, तो 1, 2, 3 और उसको ब्रैकेट में लिख दो। उसके बाद हमें यहाँ पे दो आइडेंटिटी का यूज करना है, उसमें से कोई जो भी यहाँ पे यूज होगी वो लेनी है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर या तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो आइडेंटिटी के अंदर से यहाँ पे जो यूजफुल है वो लेंगे। तो यहाँ पे थ्री स्टेप देखो, तो हमें तो पता है कि बी स्क्वायर तो ऑलवेज क्या रहता है, प्लस में रहता है। यहाँ पे ही कुछ चेंज होता है दोनों में, दो आइडेंटिटी में, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसका मतलब हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये हमें ये जो स्टेप दिया गया वो इसके अंदर दिया गया है। ओके, हमें क्या करना है, इसके अंदर से यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर से ये लिख पाएंगे तो इसके ऊपर से ये भी तो लिख पाएंगे। ओके, तो ये कन्वर्ट कर देना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा जो हमारा a हो जाएगा यहां से, और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे a और b की वैल्यू लेनी है। तो यहां से हमारा a मिल जाएगा, यहां से हमें साइन मिल जाएगा और लास्ट जो स्टेप है उसमें से हमें b मिल जाएगा। तो b किस तरह से करेंगे, जो भी दिया गया उसका स्क्वायर निकाल दो। तो 49 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 7, और 16 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 4। ओके, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर मिल गया है। तो ये तैयार हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 एलसीएम आएगा। तो 16 एलसीएम लेने के लिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमीटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यूमरेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो 8 3 24 और एलसीएम हमारा कितना रहेगा,
16, तो डिनोमिनेटर में 69 देगा। तब उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब ये माइनस है 49 और ये प्लस है 24, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 49 में से प्लस 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद एक और आईडेंटिटी का यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब ये स्टेप आ जाए एलसीएम के बाद का स्टेप, उसके बाद क्या करना है हमें, ये फॉर्मेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो हमारे पास है, यहाँ पे माइनस बी है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पे हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस, अब ये 25, तो 25 का स्क्वायर है 5 का, देन 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये हो गया होल स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया। अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो वन टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, वन टाइम दोनों का प्लस वन टाइम माइनस। ओके, तो ये पूरा ए है तो ए के साथ इसका एक वन टाइम प्लस करेंगे और इसके साथ पूरा इसका माइनस करेंगे। तो एक्स माइनस 7 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस किया वन टाइम और सेकेंड टाइम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम एलसीएम, यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो ऊपर न्यूमरेटर का जो प्लस माइनस होता होगा वो कर देंगे, तो माइनस है यहां पे 7, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 5 चला गया तो 2 बचेगा, और यहां पे दोनों माइनस है तो यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कट ऑफ होगा तो कर देना है। ओके, तो यहां पे x न्यूमरेटर में कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 बचेगा और यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या कट ऑफ हो गया तो कितना बचा, 3। ओके, उसके बाद अब हमें रूट फाइंड आउट करना है, किस तरह से लिखते थे, 1x-1/2 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया और ये भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो रूट हमें मिल जाएंगे। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इस तरह से ये इस तरह से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करनी है और इस तरह से हमें दो रूट मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।